खबर है मिर्जापुर से। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आज दिनांक 30 जून को टिकरा थाना कोतवाली देहात निवासी पिंकी देवी पत्नी जितेंद्र सोनकर द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र देते हुए बताया कि दिनांक 28 जून को रात लगभग 11 बजे प्रार्थनी के घर पर कुछ लोग दरवाजा खटखटाने लगे, जिस पर उसने दरवाजा खोला तो उसमें से एक ने उसे जमीन पर पटक दिया तथा निवस्त्र कर बारी बारी से बलात्कार किया। उसने अपने ससुर पर इल्जाम लगाते हुए बताया कि सभी को उसके ससुर द्वारा बुलाकर ऐसी घृणित कार्य करवाया गया है। शोरगुल सुनकर किसी तरह पति भी पहुंचा, जिस पर मना करने पर उसने उसको भी लोगों के द्वारा पीटा गया, जिसे काफी चोट आई है। इतना ही नहीं, विपक्षियों द्वारा मंगलसूत्र नाक की नथुनी भी छीन ली गई। उसने बताया कि कोतवाली देहात पर गई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खां जी। आज आप पुलिस अधीक्षक के आई हैं, क्या मामला है, किस लिए आई हैं? परसों रात में हमारे 11 बजे रात हमारे ससुर और जो दो लड़के बाहर के थे उस सब हमारे घर वाले बुला कर हम रात को हम घर में सोए थे। 11 बजे रात कबाड़ी खटखटा है, हम खोले कबाड़ी तो दो लोग लो, हम कपड़ा फाड़ दिया, हमारे साथ गलत काम भी किए। जब हम रोते चिल्लाने लगे तो हमारे आदमी आए, हमारे आदमी बोले तो हमारे आदमी भी बहुत मार मारे, फिर देहात कोतवाली में गए, कोई सुना नहीं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसे अक्सर जानते हैं कि अपना सग भाई किसी के नहीं होता है साहब। हमारा आदमी इतना अपने परिवार के लिए करता है, मगर हमारा हमारे घर का परिवार हम लोग के समय बुरा करता है। दूसर बाहर के आदमी बुला के हमारे साथ ये गलत जिस काम किया करवाया है हमारे घर के परिवार लोग। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको इंसान मिल जाना चाहिए।